तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप हमें टेलीग्राम पे जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि टेलीग्राम चैनल पे क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई भी अपडेट्स आती है, कॉल्स होते हैं, हिंट होते हैं, या फिर किस समय किस कॉइन को बाय करना है, सेल करना है, ये सारी सारी अपडेट्स बहुत पहले आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने मिल जाती हैं, जिनके थ्रू क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर रखा तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तीन मिल जाते हैं, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप कर फ्री में मुफ्त में आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा और क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वजीर एक्स से मैंने आपको अच्छी खासी अपडेट्स टेलीग्राम पे डाल रखी हैं इथेरियम कॉइन को लेकर। इथेरियम कॉइन का प्राइस आपको पता होगा कि अच्छे लेवल पे यहाँ पे डाउन चल रहा था और यहाँ पे मैंने अपडेट करा था 2,15,000 के अकॉर्डिंग बाय करने के लिए, और जिन लोगों ने इसको बाय करा है तो एक अच्छा प्रॉफिट बुक करा होगा, क्योंकि इसका 2,30,000 रुपये वजीर एक्स पे कल कोई बग की वजह से या फिर कोई भी तरीके से प्राइस चला गया था, जिस बाद जिन लोगों को भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ उनको मैंने सेलिंग करने के लिए बोला था। और अभी साथ साथ में और भी अपडेट्स आती रहेंगी तो मैं सारा कुछ टेलीग्राम पर अपडेट करता रहूँगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तीन मिल जाते हैं, उन्हीं में से किसी लिंक पर टैप कर मुफ्त में आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, तो बात करते हैं मेन पहले तो सबसे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन का प्राइस चल कितना रहा है और यहाँ पे मार्केट कितना है। तो 8:16 वीडियो शूट कर रहा हूँ और लगभग जो है 131 ट्रिलियन तक मार्केट चला गया, और यहाँ पे जो BTC है यानी बिटकॉइन जो है इसका लगभग जो है 1% के आसपास प्राइस डाउन चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे जाके चार्ट देखते हैं तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट के बीच में जो पैनिक वाला इस समय सेशन चल रहा है, क्योंकि दो रीज़न है पैनिक के। सबसे पहले तो यहाँ पे मार्केट के बीच में हर एक जगह पे जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन आ रहा है उस चीज़ को लेकर लोग चिंतित हैं, लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि रेगुलेशन में क्या होने वाला है, क्योंकि जो SEC है यानी कि US है, US के बीच में भी बराबर क्रिप्टो करेंसी को लेकर कुछ लोग पॉजिटिव और कुछ लोग नेगेटिव भी बराबर यहाँ पे बोल रहे हैं क्रिप्टो को, जिस वजह से इन वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ता है जो कि आप देख सकते हैं। जैसे आपको बताया कि वॉरेन बफेट ने कुछ बातें बोली थी क्रिप्टो को लेकर कि क्रिप्टो को अगर $25 में मुझे कोई बेचेगा मैं तो भी नहीं लूँगा। एक तो चीज़ देख सकते हो कितनी बड़ी बैड इम्पैक्ट डाल के गई है मार्केट पे। फिर यहाँ पे अगेन रिकवर करना स्टार्ट करा है US के SEC की तरफ से, एक अच्छी पॉजिटिव अपडेट्स आई है जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने प्लान कर रहे हैं यहाँ पे रेगुलेशन को लेकर और यहाँ पे कुछ चीज़ों को अनुमति देना स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्रिप्टो के पक्ष की हैं और पॉजिटिव तरीके हैं, तो अगर इन चीज़ों से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली मार्केट आगे यहाँ पे ग्रोथ करेगी और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना के जाएगी। और अब बात करते हैं कुछ और अपडेट्स को लेकर जो मार्केट में चल रही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फैक्स एम्पायर पे लेके आ गया हूँ, जहाँ पे आप साफ साफ चेक कर सकते हैं कि कॉइनबेस के बीच में अभी की डेट में आपको पता होगा कि लोन को लेकर डिस्कस हो रहा था, तो यहाँ पे कॉइनबेस पे बिटकॉइन लोन को लेकर वॉल स्ट्रीट बैंक जो गोल्डमैन है उन्होंने अभी करंटली जो है हामी भर दी है, या फिर कह सकते हो वो चाह रहे हैं कि हम जल्दी इस पर एग्री कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पर आके देखें तो साफ साफ आप चेक कर सकते हैं कि और भी चीज़ों के बीच में क्रिप्टो पे बहुत अच्छी पॉजिटिव अपडेट्स हैं, कुछ चीज़ें सही हैं कुछ गलत हैं, और ये हर एक चीज़ों को देखकर मार्केट के बीच में इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं। ऑपरेटोरियम के बीच में अगर हम देखें तो राइट यहाँ पे जो है प्रोटेस्टर लगा रहे हैं, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओपिनियन वगैरह आ रहा है उसको लेकर अभी बराबर चीज़ें चल रही हैं, और क्रिप्टो पे जो रेगुलेशंस हैं इन वजह से मार्केट के बीच में बहुत सा डाउन फ्लो आया हुआ है। साथ साथ में हमारा इंडिया भी बहुत खास अहमियत रखता है क्योंकि यहाँ से भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एक अपडेट आई है जिसके बीच में बोला जा रहा है 20% तक TDS डिडक्ट होगा इंडियन यूज़र से। अब इस चीज़ को लेकर बहुत हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो कि गलत तरीके से आपको अपडेट कर रहे हैं, उसके बारे में अपडेट कर देता हूँ आपको, जो कि आप यहाँ पर आके देख सकते हैं साफ साफ कि क्रिप्टो पे टैक्स को लेकर बात करी गई है कि 20% का TDS अब एक्स्ट्रा यहाँ पर लगने वाला है एक ऐसी चीज़ पर, जो कि दोस्तों अभी डेट में अगर हम देखें तो इसका पहलू कुछ और ही बताया जा रहा है, पर लोग जो है आपको कुछ और तरीके से समझा रहे हैं। अभी मैंने जस्ट देखा कुछ यूट्यूबर की वीडियो, जो हमारे कुछ भाई हैं जो कि इस पर वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि क्रिप्टो करेंसी पे अब एवरी ट्रांजेक्शन पे जितने भी लोग ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर जो है अब 20% का TDS डिडक्ट होगा। अब उनको एक चीज़ समझ नहीं आई कि उन्होंने अच्छे से इस चीज़ को समझे ही नहीं और सीधा जाके यूज़र को बोल दिया और यूज़र पैनिक होना शुरू हो गया और लोगों ने मुझे वीडियो शेयर करी कि भाई आप वीडियो देखो इस चीज़ को देखो कि क्या सच में 20% TDS कटना स्टार्ट हो जाएगा, क्या ये सच में सही चीज़ है या नहीं सही है। तो इस चीज़ को लेकर मैंने सोचा कि आपको हर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पहले तो हम इसकी हेडलाइन पूरी पढ़ लो, आप यहीं से पूरी देख लो। हेडलाइन जो है इसके बीच में साफ से लिखा है कि इंटरेस्ट अर्निंग फ्रॉम फॉर ए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म लाइकली टू अट्रैक्ट 20% TDS, यानी कि जो लोग भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे क्रिप्टो पे उन लोगों पे ये टैक्स डिडक्ट होगा जो लोग यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप बाइनेंस यूज़ करते हैं, ये भी एक फॉरेन ही है, और साथ साथ में आप देखोगे कुछ और एक्सचेंजेस भी हैं
हॉबी ग्लोबल हो गया, साथ साथ में कुछ और एक्सचेंजेस हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे दूसरे एक्सचेंज होते हैं, तो इस पर ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको टैक्स नहीं कटेगा, इस पर टैक्स तब ये आपका लागू हो सकता है। और ये अभी तक जो है प्रॉपर अपडेट्स कहीं से भी नहीं आई है। और ये जो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है या फिर किसी ने बोला है, ऐसा अभी तक किसी की तरफ से ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट ऐसे ही इन्होंने पोस्ट कर रखी है। पर यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज़ को भी अगर हम समझें, तो साफ साफ जो इंटरेस्ट के लेकर बात करिए, तो क्रिप्टो पर इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज़ पर मिलता है, जो कि स्टेकिंग। तो स्टेकिंग आपको याद होगा, मैंने वीडियो में अपडेट करा था, स्टेकिंग को लेकर ही यहाँ पे जो है यूज़र को यहाँ पे ये टैक्स देने की संभावना पड़ सकती है, या फिर हो सकता है अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को अग्री करती है और आगे बढ़ती है इस चीज़ को लेकर, तो फिर हमें जो है 20% के आसपास TDS देना पड़ सकता है। और TDS दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि TDS एक टैक्स नहीं होता है, TDS सिर्फ आपका अमाउंट होता है जिसको आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में नेक्स्ट टैक्स फाइल में डिडक्ट करवा सकते हो, रिफंड ले सकते हो। यानी कि आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हो कि जो जो TDS से पहले तो मैं आपको बोलूं, TDS चाहे 50% लग जाए, आपको उससे डरना नहीं है कभी भी, क्योंकि ये पैसा आपका डिडक्ट नहीं हो रहा और ये सिर्फ पैसा आपके वॉलेट में ऐड हो रहा है, ये आपका एक नेक्स्ट वॉलेट बन जाता है जो कि है पैन कार्ड का। अगर आप यहाँ पे CA किसी से मिलेंगे और जहाँ उसको पूछेंगे कि भाई यहाँ पे TDS क्या होता है, तो आपको सारा कुछ अच्छे समझा देंगे हो कि TDS जो है सिंपल भाषा में देखा जाए तो एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको ट्रैक करता है कि आपने एक साल में इतनी ट्रांजेक्शन करी है, एक जगह से इधर पैसा लिया फिर उधर गया, और उसके बीच में जो आपका सही वैल्यू में आप ट्रांजेक्शन वहाँ पे शो करोगे, और लास्ट में जो आपका एग्जैक्ट टैक्स बनेगा उसमें आपका ये वाला जो TDS है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो बस इतनी ऐसे ही चीज़ों के लिए यहाँ पे इस चीज़ को बनाया गया है। और अगर आपका टैक्स यहाँ पे मान लीजिए कि एक साल के अंदर में मात्र 5,000 रुपये का बन रहा है और आपका TDS कटा गया 15,000 रुपये का, तो आपको 10,000 रुपये का रिफंड आएगा, रिफंडेबल आएगा, यानी कि आपका 10,000 रुपये गवर्नमेंट आपको अगेन वापस करेगी। तो ये चीज़ें हैं, सहूलत हैं, और TDS को लेकर किसी को डरने वाली बात नहीं है। बाकी जो पॉजिटिव तरीके से अपडेट्स हैं मैं आपको हमेशा कवर करता रहूँगा, और ऐसी ऐसी चीज़ों को देखकर खुद से डरना नहीं है। पहले कोई भी चीज़ को समझने से पहले हमें अपना कोई भी वॉलेट सेल नहीं करना है, कोई भी कॉइन सेल नहीं करने हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करो। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी, आपका राहुल भाई यहाँ पे है ही, आपको हर एक अपडेट्स मैं करता रहूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो कर लीजिएगा। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई भी अपडेट्स आती है, हिंट आते हैं या फिर कॉल्स होते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसके थ्रू आप क्रिप्टो मार्केट से डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बना सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और हमेशा ही आपको क्रिप्टो की कॉल्स यहाँ पे मिलेंगी, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 देखने को मिल जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।